क्या इस दिवाली पर आप लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनना पसंद करेंगे? नहीं, फिर लक्ष्मी पाने के लिए क्या करेंगे? तो लक्ष्मी वाहन से थोड़ी होती है, लक्ष्मी का उल्लू का बहुत पैसा आएगा। नहीं, उल्लू उल्लू है, बिल्कुल सौभाग्य होगा मेरा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब मेरे ऊपर सवार होने वाली है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उल्लू, गधा, चूहा, जो भी बनना हो तैयार है। लेकिन लोग इसको बड़े व्यंग में लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, व्यंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि उल्लू एक ऐसा पात्र है, नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अरे उल्लू, तो उल्लू बनने में कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है लक्ष्मी के लिए उल्लू बनाया जा सकता है। तो इस दिवाली पर क्या आप लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनना पसंद करेंगे? हाँ, पैसा चाहिए तो उल्लू ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा चाहिए, कितना बड़ा उल्लू बनना चाहेंगे? अब बन जाएंगे जितना पैसा चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए पैसा। तो बड़े साइज का उल्लू बने? हाँ, बड़े साइज का बन जाएंगे। यदि लक्ष्मी आने को तैयार हो तो उल्लू बनाया जाता है। लोग इसको बड़े व्यंग में लेते हैं, तो क्या आपको इससे गुरेज नहीं है? एक बार नहीं, अगर लक्ष्मी आ रही है तो मैं जिस तरह से कहें मैं उस तरह से उल्लू बनने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल से हर आदमी चाहता है कि लक्ष्मी का वाहन बने, क्योंकि लक्ष्मी को कौन पसंद नहीं करता। तो उसके लिए उल्लू बनना चाहेंगे? बिल्कुल बेशक, अगर लक्ष्मी मिलती है तो उल्लू बनने का क्या बुराई है। लोग तो उल्लू को लेके बड़े मजाक उड़ाते हैं। नहीं, उल्लू को मजाक तो पता नहीं लोग क्यों उड़ाते हैं। उल्लू तो इतना होशियार पक्षी माना गया जो रात में भी देखता है। लक्ष्मी नहीं चाहिए आपको? लक्ष्मी तो चाहिए। उल्लू बनने में क्या दिक्कत है? उल्लू बन के ही मिलेंगी क्या लक्ष्मी? नहीं, कहा जाता है कि लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के ही आती हैं। अच्छा, तो हम बुला लेंगे उल्लू लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी उल्लू पक्के में बनने को तैयार है? नहीं, बुला लेंगे हम, बनेंगे नहीं। कैसे बुला लेंगे? उल्लू को बुलाएंगे या लक्ष्मी को बुलाएंगे? उल्लू को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी बैठ के आ जाएंगे उस पे। उल्लू खुद नहीं बनेंगे? नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब दुनिया में सब आजकल उल्लू ही बना रहे हैं, हम भी बन जाएंगे एक दिन के लिए। आप बताते हैं कि धन कमाने के लिए उल्लू बनना घाटे का सौदा नहीं है? धन कमाने के लिए उल्लू बनना घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन धन तो मिल रहा है ना। उल्लू बनो या गधा बनो, क्या फ़र्क पड़ता है? अवश्य करेंगे। क्यों भाई? सभी उसी के लिए दौड़ते हैं, लक्ष्मी के लिए ही दौड़ते हैं, काहे के लिए दौड़ते हैं? जो हम करते हैं वो भी लक्ष्मी के लिए, जो भी करता है वो। तो लोग उल्लू को तो मजाक में लेते हैं। अब लोग लेते हैं उसके लिए, कोई क्या कर सकता है। आप उल्लू बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे। लक्ष्मी पाने के लिए? बिल्कुल पाने के लिए। आपको लक्ष्मी भी चाहिए लेकिन उल्लू बनना पसंद? हाँ, मतलब लक्ष्मी चाहिए लेकिन हम उल्लू बनना पसंद नहीं करेंगे। हम लक्ष्मी जी की तरह ही एक गृहिणी हैं और उन्हीं की तरह घर चलाना और अच्छे से रहना चाहेंगे, उल्लू बनना पसंद नहीं करेंगे। वाहन आएंगी कैसे अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? वाहन रहेगा ना, वाहन बाहर रहेगा, लक्ष्मी जी अंदर रहेंगी। वाहन को पार्किंग में रख देंगे? जी, वाहन को पार्किंग में रख देंगे। आप उल्लू नहीं बनेंगे लक्ष्मी के लिए? नहीं। तो क्या लक्ष्मी पाने के लिए आप उनका वाहन बनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, कोई नहीं चाहेगा। क्यों? लक्ष्मी तो चाहिए सर। लक्ष्मी चाहिए सर, लेकिन वाहन नहीं चाहिए इस तरह का वाहन। तो फिर लक्ष्मी आएंगी कैसे सर? लक्ष्मी उन्हीं पे बैठ के आती है सर। लक्ष्मी जी को सर ऐसे ही लिवा लाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं बनना पड़ना चाहूँगा। फिर लक्ष्मी कैसे आएंगी आपके पास? ईमानदारी से कोशिश करूंगा, जो वर्क किए है वो ईमानदारी से करूंगा, उसी तरह से हमको लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी मेरे पास। नहीं, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के ही घर आती हैं, तो फिर आप उनके वाहन को रोक देंगे तो वो कैसे प्रवेश कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सोच है ये तो कि उल्लू पे बैठ के आती हैं तभी लक्ष्मी आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी तो साफ सुथरी जगह आती हैं, साफ मन से काम किया जाए, शुद्ध काम किया जाए, ये सब हो, सब लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी? लक्ष्मी जी का वाहन बनना नहीं देती, औकात ही नहीं उनका वाहन बन पाए। नहीं, लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी उल्लू पे ही सवार होके आती हैं, तो आपको लक्ष्मी चाहिए तो वाहन बनना चाहेंगे? नहीं, वाहन बन के क्या अच्छा, लक्ष्मी तो आएंगे अपने आप, उनकी कृपा होगी तो। उनके वाहन को कहाँ खड़ा करेंगे? वाहन भी तो आएगा सर। तो उनका वाहन थोड़ी हम ले सकते, उल्लू नहीं बन सकते। मतलब लक्ष्मी चाहिए लेकिन उल्लू नहीं बनना? हाँ सही बात है। उनके वाहन की जगह कैसे ले लेंगे? उनका वाहन है वो तो पक्षी है, उसकी जगह कैसे ले सकते? लक्ष्मी चाहिए बस। हाँ, लक्ष्मी जी तो चाहिए। नहीं, वो लक्ष्मी जी के पास ही रहने दीजिए,
उल्लू बनना तो कोई भी पसंद नहीं करता। लक्ष्मी कैसे आएंगी, उनका वाहन है तो वो सवार होके आती है। नहीं, सवार होके आती तो वो उनके पास उनका खुद का वाहन है। तो लक्ष्मी चाहिए, उल्लू नहीं बनना है। नहीं, अगर लक्ष्मी जी चाहेंगे तो उनके लिए हम उल्लू भी बनने को तैयार हैं। तो उल्लू उनका वाहन बनने को तैयार? हाँ, वो जिस रूप में स्वीकार करेंगी अगर, और वो उनकी भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें उल्लू भी बना सकती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। लक्ष्मी जी चाहिए वाहन के साथ उल्लू बन के। लेकिन उल्लू नहीं बनना कोई चाहेगा। तो फिर लक्ष्मी आई कैसे, उनका वाहन तो वही, उसी पर तो बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन कमल भी तो हो सकता है। नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू अभी आपने बताया, तो आएंगी तो उसी पे। अगर आप उल्लू नहीं बनेंगी तो कैसे फिर वो आएंगी? उल्लू बन जाएंगे तो फिर लक्ष्मी जी कैसे कृपा करेंगी? लक्ष्मी का वाहन उल्लू जब बनना बन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग व्यंग करते हैं, आपको अच्छा लगेगा? लोग उल्लू को व्यंग में लेते हैं तो उल्लू को व्यंग में लेना कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पैसे चाहिए। लक्ष्मी का वाहन उल्लू उसके लिए, वैसे नहीं। उल्लू बनना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के साथ उल्लू बना के धन लेना पसंद नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है आजकल लोग उल्लू बना के धन कमा रहे हैं? हाँ, बहुत से लोग हैं जो उल्लू बना के धन कमा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं किसी को अगर लूं तो पॉजिटिव चीज लूं, नेगेटिव चीजें ना लूं। और अगर उल्लू पे उल्लू बनना ही है मैं तो उल्लू बना के किसी से धन ना लूं। अगर वो चाहे तो मैं बनना पसंद कर सकती हूँ। मतलब उल्लू बनने में आपको कोई गुरेज नहीं, बस धन मिलना चाहिए? नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी जी की सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो धन तो चाहिए, तभी तो सेवा करोगी। धन तो वो बात की बात है, लेकिन लक्ष्मी जी अगर मेरे ऊपर ही सवार होके आती है तो फिर वो बात ही अलग है। उल्लू पे सवार होके उल्लू के पे सवार होके आती है तो वो बात ही अलग होती है। वो बनना भी मतलब बहुत लोगों के नसीब में होता है। आप बनना चाहेंगी उल्लू? जी, अगर लक्ष्मी जी चाहती है तो वो बना रहे तो मैं बन लूंगी। नहीं। फिर लक्ष्मी कैसे आएगी? कर्म से। आप मानती हैं पक्का कर्म से आएगी? बिल्कुल, कर्म से होती है, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। तो जो लोग कर्म करते हैं उनको डेफिनेटली लक्ष्मी जी मिलती हैं। उल्लू से कोई लेना देना नहीं? उल्लू से कोई लेना देना नहीं। जिस वैसे वो देवी माँ है हमारे धर्म की, तो उनसे जुड़ने में जिस चीज का भी हमें अवसर मिलेगा हम वो बनना चाहेंगे, वो हमारा सौभाग्य होगा। मतलब चाहिए धन है, चाहे उल्लू बन के भी मिले, ये हमारा सौभाग्य होगा कि उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल मेरे सौभाग्य, अगर मुझे इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मतलब धन प्राप्ति के लिए उल्लू बनने में कोई गुरेज नहीं? नो सर, धन प्राप्ति के लिए नहीं, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगेगा, मैं लेकर आना चाहूँगी। मैं अपने घर में। लेकिन लोग उल्लू को तो हास्यास्पद स्थिति में देखते हैं। सर, उनका देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं, अपन लक्ष्मी जी को क्यों बुलाती हैं? क्योंकि उनका स्थान है घर में रहने का। बेटी है, बेटी भी एक लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी, आप उल्लू को बुलाओगे तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर पर आएंगी। बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। मतलब धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उल्लू हो या कुछ भी। धन की बात अलग होती है, लक्ष्मी जी के वाहन बनना, उनकी सवारी बनना बहुत सौभाग्य की बात है। उनका वाहन बनना वही हमारे लिए धन होगा। तो ये चाहूँगी, अगर मुझे माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा तो मैं उसे प्राप्त करनी चाहूँगी उल्लू बन के भी। हाँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे माता रानी को ये दुख नहीं रखा कि कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमेशा मेरे साथ रही। लक्ष्मी माता को मैं बहुत मानती हूँ और हमारे यहाँ पूजी भी जाती हैं, और अब इस बार दिवाली पे लक्ष्मी माता की पूजा भी होगी, तो लक्ष्मी माता को मैं अच्छे से मानूंगी। पर लक्ष्मी माता मेरे घर आएंगी और मैं उनका स्वागत करूंगी। आप उल्लू बन के उनको लाएंगी, लाना चाहेंगी? जी बिल्कुल सर। लक्ष्मी मिलना चाहिए, ये अलग बात है कि चाहे आप उल्लू क्यों ना बन जाए। हाँ सर।